कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद से आने वाली आगरा वैन को जाने वाली 02548 अहमदाबाद आगरा वैन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ स्पेशल कान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 02548 अहमदाबाद आगरा कैंट सुपरफास्ट स्पेशल, और बहुत वक्त के बाद अहमदाबाद जयपुर लाइन पर हमारी जर्नी होने वाली है। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफ़र। अहमदाबाद आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसने अपनी पहली सर्विस दी थी 11 फरवरी 2011 को, और अहमदाबाद से आगरा के लिए ये वीक में आपको 4 दिन मिल जाएगी, संडे, मंडे, वेनसडे और थर्सडे। अहमदाबाद से इसका डिपार्चर होगा शाम को 4:30 पे, और आगरा कैंट आप पहुंचेंगे अगले दिन सुबह 7:15 पे। लेकिन भाई साहब, हमारी ये जर्नी कंप्लीट जर्नी नहीं होने वाली है, एंड सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ तक के लिए जर्नी कर रहा हूँ। तो इस ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट एसी का कोच नहीं लगता है। सेकंड एसी की जो कॉस्ट है वो है 1750, थर्ड एसी की कॉस्ट है 1235, स्लीपर जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट है 470, और जनरल के 280 रुपीज़, और ये जो कॉस्ट है अहमदाबाद से लेकर आगरा कैंट तक की है। और लोकोमोटिव लगा हुआ है WD4B, आप देख सकते हैं, जो कि है भगत की कोठी लोको शेड का। तो कोचिस की बात हो गई, लोकोमोटिव आपने देख लिया, अब चलते हैं अपने कोच के अंदर। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ S1 में, जो कि इस ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है। लास्ट कोच से फर्स्ट कोच तक मैं आया जस्ट बिकॉज मुझे आपको लोकोमोटिव दिखाना था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, इट इज़ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद जंक्शन, और अब ये ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो करेगी 864 किलोमीटर्स इन 14 घंटे 45 मिनट, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर, एंड मैक्स परमिसेबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी नंबर 09 03 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
गाइस ये है हमारा पहला हॉल्ट जो कि है महसाणा जंक्शन, स्टेशन कोड MSH। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर आपको 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और महसाणा के अंदर आपको डेयरी, ऑयल और गैस, जो नेचुरल गैस होता है, उसकी कई सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। यानी महसाणा जंक्शन पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हो सकता है आपको ये थोड़ा ही अनोइंग आवाज़ आ रहा होगा EOG का, क्योंकि मेरा कोच जैसे मैंने बताया था बिल्कुल लास्ट में है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNU और ये ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन के द्वारा। और क्या आप जानते हैं पालनपुर को इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसका पुश्तैनी घर कहा जाता है। यहाँ पर भी हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी तक हम अहमदाबाद से लेके पालनपुर तक की 134 किलोमीटर की जर्नी कम्प्लीट कर चुके हैं। और रनिंग स्टेटस की बात करूं तो यहां पर मैं पहुंचना था शाम को 7:03 और अभी हम पहुंच चुके हैं 6:50, यानी ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बिफोर हम लोग यहां पर आ चुके हैं। फैला हुआ है यहाँ पर, मस्त पानी की पिचकारियाँ लगी है, नीचे पानी पूरा फैला हुआ है। सबसे गंदी बात, यहाँ पर कोई लॉक नहीं है। ये देखिए, ये जो घुमाते हैं ना, वो बाहर से भी घूम जाएगा। अगर कोई आ रहा है तो बाहर से घुमा के सीधा दरवाज़ा खोल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप आए हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए तो आपको हो सकता है दरवाज़ा पकड़ के बैठना पड़े, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का देख लिया कोई लॉक नहीं है और ये बाहर से भी घूम जाता है। मिरर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्लीन है, ऊपर से लाइट भी अब यहाँ पर है, बट भाई नीचे जो हालात है वो मैं ना ही बताऊँ ज़्यादा तो बेटर है। तो ओवरऑल इस ट्रेन के वॉशरूम्स अच्छे नहीं हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि पानी तो अवेलेबल है इस ट्रेन में, आप देख सकते हैं, लेकिन लिक्विड सोप नहीं है। तो अगर आपको हाथ धोने हैं तो सिर्फ आपके पास पानी अवेलेबल रहेगा। गाइस, तो ये हमारा थर्ड हॉल्ट आबू रोड, स्टेशन कोड ABR और यहाँ से शुरू होता है राजस्थान। 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन सबसे पहले यहाँ की सबसे फेमस आइटम वो लेते हैं, रबड़ी। तो ये रही आबू की रबड़ी, 30 रुपए की है, इसके बिना आप आबू क्रॉस नहीं कर सकते।
अगर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने आबू रोड की रबड़ी ट्राई की है तो। दिस इज़ डिलीशियस, डिलीशियस से याद आया। अगर आप मेरे फूड ब्लॉग्स इन्जॉय करना चाहते हैं तो मेरी सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिलीशियस डे। वहाँ पर मैं आपको फूड ब्लॉग्स बताता रहूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सही, आबू रोड स्टेशन की बात करूँ तो ये ओपन हुआ था इन ईयर 1881 में, और इन ईयर 1966 में दिस स्टेशन वॉज दी लार्जेस्ट लोको शेड फॉर वेस्टर्न रेलवे, जो कि मीटर गोज के लोकोमोटिव हॉल्ट करता था। यहाँ पर मोर देन 112 से ज़्यादा लोको शेड लोकोमोटिव जो है यहाँ के लोको शेड में हॉल्ट किए जाते थे। और अभी फ़िलहाल में भी आबू रोड के पास है ब्रॉड गोज का डीजल लोकोमोटिव शेड, जहाँ पर अभी 140 लोकोमोटिव जो है वो होल्ड किए जाते हैं। तो गाइस इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, सो इस वजह से जो भी खाना है आप स्टेशन से या लोकल वेंडर्स जो आते हैं IRCTC के उनसे ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आबू रोड से रबड़ी के साथ साथ ये पूरी भाजी भी ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, आप वेज बिरयानी ले सकते हैं, नमकीन कुछ खा सकते हैं, समोसा वगैरह खा सकते हैं। डिनर के लिए मैं वेज बिरयानी के नाम पे वेज पुलाव नहीं खाना चाहता था, इस वजह से मैंने ये पूरी भाजी ली और जस्ट सिर्फ थोड़ा सा पेट में खाना कुछ रहे उस वजह से। तो मैं कंप्लीट करता हूँ अपना डिनर, और अगला हमारा हॉल्ट है पिंडवाड़ा, जो कि मैं स्किप करूँगा और सीधा मिलूँगा मैं आपसे उसके बाद का जो हॉल्ट होगा वहाँ पर। लेट्स टेस्ट करते कैसा लगता है। इसको बनाया गया ऐसे, पानी में मिर्च डाला, नमक डाला, उबले हुए आलू डाल दिए, आपकी सब्जी तैयार। रेलवे से ट्रैवल करते वक्त खाने के लिए, अनलेस अगर आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे तो, फिलहाल उसमें भी फूड इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं ख़त्म करता हूँ अपना ये सो कॉल्ड डिनर और मिलता हूँ मैं आपसे अगले हॉल पर। और हाँ, ये पूरी भाजी मेरे को जो पड़ी वो पड़ी सिर्फ 20 रुपये, तो 20 रुपये के हिसाब से दिस इज़ इनफ। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी ये सब खाइएगा, अगर हो सके तो घर से ही खाना लेके आइएगा। ऑलराइट, तो 285 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं फालना, जिसका स्टेशन कोड है FA, और ये रेलवे स्टेशन अजमेर डिवीजन का ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन है एंड वन ऑफ दी सोलर पावर इक्विप्ड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट हम लोग लेट पहुँचे हैं, जिस वजह से मैं बाहर निकल के कुछ वीडियो शूट करूँ उससे पहले ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब, काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि आप आपके ब्लॉग में फालना स्किप कर देते हैं, तो लीजिए आपका फालना आज मैंने कवर किया है। बराबर से तो नहीं हो पाया लेकिन बताया है मैंने, तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MJ। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 और ये स्टेशन सर्व करता है पाली डिस्ट्रिक्ट के मारवाड़ जंक्शन टाउन को। जी हाँ, यहाँ का ये जो टाउन है उसका नाम ही मारवाड़ जंक्शन है और इस स्टेशन पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अब हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट यहाँ पे रुकने वाली है। तो चलिए देखते हैं कुछ चाय या कॉफ़ी मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो आई विल शो यू। तो दोस्तों चाय तो मिल रही है स्टेशन पे और मैं लेने ही वाला था, लेकिन उस वक्त मेरे एक को पैसेंजर जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है उन्होंने बोला, भाई साहब चाय बिल्कुल मत लीजिए, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इससे बेटर है आप अंदर जाके पानी पी लीजिए। सो मैंने चाय नहीं ली, अदरवाइज़ यहाँ पर 10 रुपये की जो चाय है वो अवेलेबल है, लेकिन रेलवेज़ की जो चाय होती है उसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी जर्नी हमारी जारी है, तो ऐसे ही ट्रेन जर्नी के और एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी रिसेंटली हमने 4000 सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उम्मीद है ये 4K आगे जाके 400K तक भी हो जाएंगे, उसी तरीके की मेहनत भी चल रही है। अगर आपको कंटेंट में कुछ भी लगता है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट का जब मेरे पास नोटिफिकेशन आता है ना, आई कैन नॉट टेल यू कि मैं क्या फ़ील करता हूँ उस वक्त। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके थॉट्स हैं इस ब्लॉग को लेके, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें और वहाँ पर आप मुझसे बात करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर मैं अपने ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ ट्रेन जर्नी के जो बिहाइंड द सीन्स है, एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स, वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहें, अगर आपको बिहाइंड द सीन्स देखने में मज़ा आता हो, तो आप ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। सो गाइज, अगले कुछ जो हॉल्ट है वो मैं स्किप करूँगा, मेरे को सब रात काफ़ी हो चुकी है और इस वक्त में कोई भी स्टेशन कवर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो अब मैं आपसे सीधा उस स्टेशन में मिलूँगा जहाँ पर मुझे इस ट्रेन को डीबोर्ड करना है, और बीच में अगर कोई क्रॉसिंग हुआ या कोई ओवरटेक हुआ या फिर हमने किसी मेजर स्टेशन को स्किप किया, सो आई विल शो यू दैट। बट अब आपसे सीधी मुलाकात होगी वहाँ पर जहाँ पर मुझे इस ट्रेन को डीबोर्ड करना है। ठीक है, गुड नाइट। जैसा मैंने कहा था, इस ट्रेन में मैं कंप्लीट जर्नी नहीं कर रहा हूँ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया यानी जयपुर। तो मेरी जर्नी जो है उस ट्रेन में सिर्फ यहाँ तक की थी, लेकिन मैं ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि बहुत जल्द इस ट्रेन की मैं कंप्लीट जर्नी आपको ला के दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। जयपुर पहुँचने का जो हमारा टाइम है सुबह के 3:10 का है और हम 3:05 यानी 5 मिनट बिफोर जयपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही ट्रेन जर्नी के एक्साइटिंग ब्लॉग्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, वहाँ जाके आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फैशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय चाचा। काबू रोड वेस्टर्न रेलवे का लार्जेस्ट लोकोश क्या कर रहा है, हाँ ले या बोल ले। काबू रोड स्टेशन की बात करूँ तो ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में और